अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक क्रस्टलेस कीश की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे 1 कप के जितना फ्रेश क्रीम हमें चाहिए होगी, 1/4 कप के जितना चॉप्ड अनियन और 1 कप के जितना कुक्ड चिकन चाहिए होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कुक्ड चिकन मौजूद नहीं है तो आप 2 चिकन ब्रेस्ट लेके उसे सॉल्ट और पेपर और थोड़ा सा ऑयल डाल के, लहसुन डाल के बॉईल कर लीजिएगा, स्टीम कर लीजिएगा। और इसके अलावा 1 कप के जितना चेडर चीज़ हमें चाहिए, कोई सा भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून के जितनी मैं यहाँ बेल पेपर यूज़ कर रही हूँ, मैं रेड और ऑरेंज कलर की यूज़ कर रही हूँ। और स्पिनच हमें चाहिए होगा हैंडफुल सा, बस थोड़ा सा ही स्पिनच हम यूज़ करेंगे। 4 लार्ज एग्स हमें चाहिए होंगे, 1/2 टीस्पून के जितनी चिली फ्लेक्स, 3/4 टीस्पून के जितना सॉल्ट और 1/2 टीस्पून के जितना हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में 1 टेबल स्पून के जितना बटर डाल देंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं अनियंस। जो ही हल्का सा ट्रांसपेरेंट अनियन हो जाए तो इसमें हम स्पिनिच ऐड कर देंगे। बिल्कुल हैंडफुल सा स्पिनिच हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। जो ही ये वेल्ट हो जाता है तो वो इसको कुकिंग स्टॉप कर देंगे हम। और इसमें आप 2 पिंच के जितना सॉल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। बस जस्ट हमने इसकी रॉ जो स्मेल है वो ख़त्म करनी है। तो चलिए अनियन और स्पिनिच हो गया डन, बस इतना ही हम इसको करेंगे। इसको निकाल लेते हैं बाउल में और मिक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं कीश के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। एग्स डाल देंगे बाउल में, 4 एग्स जो हमने लिए थे। और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम, ये चली जाएगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको, पहले इसमें को सीज़न कर लेते हैं। ब्लैक पेपर इसमें डाल देते हैं और सॉल्ट चला जाएगा इसमें, चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर अगेन इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही यम्मी सी ये तैयार हो जाती है कीश। आप इसे ब्रेकफास्ट में, ब्रंच में बना सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी बनाना चाह रहे हो, पाई क्रस्ट आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कीश बनाने का। तो चलिए इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डाल देते हैं इसमें पेपर्स, डाल देते हैं इसमें और इसमें चला जाएगा चिकन चॉप करके, श्रेड करके, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो आप डाल लीजिए। और ये जो अनियन और स्पिनच हमने सौते किया था ये इसमें डाल देते हैं और इसमें चला जाएगा चीज़, ये ऐड कर देते हैं इसमें, सारा डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप सॉल्ट और पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट आप चेक करके ऐड कीजिएगा क्योंकि चीज़ भी सॉल्टी होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट ये ना हो जाए कि ऐड हो जाए, तो इसलिए आप केयरफुल होके सॉल्ट ऐड कीजिएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो यहाँ पे कीश का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक पाई डिश ले लेती हूँ और उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया बटर के साथ। तो अभी ये तमाम जो मिक्सचर है इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं सारा मिक्सचर और इसको हम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे
सेट होने तक एग्स के बेक कर लेंगे। इसको अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। इस तरह से अच्छे से तमाम मिक्सचर जो है इवनली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इस तरह से, और अगर आप चीज़ लवर हैं तो यहाँ पे आप मज़ीद चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो जितना आपको मज़ीद डालना हो आप डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, तो डाल लीजिए जिस कदर आपको पसंद है। थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे कीश को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है, तो रखते हैं इसे बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्रस्टलेस कीश को मैंने अवन से निकाल लिया है, इसे एग्जैक्टली 27 मिनट्स लगे हैं बेक होने में 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो बहुत ज़बरदस्त ये बेक हो गई है, बहुत अच्छा सा कलर भी इस पर आ गया है। क्रस्टलेस कीश का एक स्लाइस मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लग रही है इसकी इनसाइड लुक। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जल्द क्विक बन जाने वाली ये रेसिपी है, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए आप, इसका स्लाइस एक मैंने कट किया है, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ज़रूर आप इस तरह से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।